चलिए हाय दोस्तों, आपके लिए अनदर वीडियो लेके आया हूँ। कल का जो ट्रेडिंग सेशन रहेगा, वेनसडे का दिन 7 जून का, तो कल के ट्रेडिंग सेशन है निफ्टी और बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे इस वीडियो में देखने वाले। चलिए, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की और वीडियो आपके लिए ला सकूँ। और आपके एजुकेशन पर्पज अगर कोई एनालिसिस सीखना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको जो भी चार्ट पैटर्न वगैरह होता है, जो कोई मार्केट में क्या मोमेंटम मेरे हिसाब से देखने को मिल रहा है, तो ये आपके साथ मैं शेयर करता रहता हूँ। चलिए, और यहाँ पे जिन लोगों ने तो प्रीमियम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे मार्केट साइडवेज है तो यहाँ पे कोई ज्यादा अपडेट्स नहीं दे रहे, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें जो कि 18,600 का पुट 67 के अबव मैंने बाय करने के लिए था, ऑलमोस्ट उसने 89.93 तक कहा लगा, वहाँ पे एक अच्छा सा पॉइंट मिल गया। लेकिन मार्केट में ज्यादातर मोमेंटम नहीं देखने को मिल रहा है जब तक इंडिया विक्स बढ़ता नहीं। जैसे इंडिया विक्स बढ़ेगा तो एक मार्केट में वॉलिटी देखने को मिल सकती है। तो चलिए, अभी निफ्टी के लिए देख लिया कल के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है, किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी अगर देखे तो बहुत दिनों से एक ही रेंज में, देखो डेली कैंडलस्टिक में इसी रेंज में, जब तक इस रेंज को निकालेगा नहीं अपसाइड या डाउन साइड तभी मोमेंटम नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे 480 और 680 200 पॉइंट का रेंज है निफ्टी के लिए, 200 पॉइंट का रेंज बहुत कम है और उसके अंदर ही ट्रेड कर रहा है तो मार्केट बहुत ज्यादा साइडवेज है। तो यहाँ पे नजर बना कर रखे, यहाँ पे ओवर ट्रेड मत कीजिए। देखिए मार्केट किस तरह से मोमेंटम करता है, कोई वॉलिटिलिटी शो होती है तो तभी मार्केट में यहाँ पे ट्रेड कीजिए। कल के एनालिसिस में मैंने आपको बताया, तो आज अगर देखे तो मार्केट यहाँ पे ओपन होते ही डाउन साइड का मोमेंटम करता हुआ गया है देखने को मिला। मैंने क्या कहा कि जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता था एक बढ़िया मोमेंटम नहीं, जब तक इसके नीचे नहीं आता था एक डाउन साइड का मोमेंटम नहीं। तो अभी भी फिलहाल के लिए इसी रेंज के अंदर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी जो 230 हो चुके, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, समझो आज 520-530 के नियर बाय क्लोजिंग मिलती है। और कल अगर समझो देखो, कल अगर 480 के नीचे आता है, देखो कल 480 के नीचे आता है तभी एक डाउन साइड का मोमेंटम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जब तक अगर 600 के अबव सस्टेन होता है, यहाँ पे कोई रेंज बना के अपसाइड के लिए नहीं आता, तब तक यहाँ पे कोई अपसाइड के लिए मोमेंटम मेरे हिसाब से नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखे तो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ आपको, ये जो रेंज है इस रेंज में आप काम ही मत कीजिए। देखो ये वाला रेंज है, इस रेंज में काम ही मत कीजिए, बहुत साइडवेज मार्केट है, प्रीमियम डीके हो जाएंगे। और आज जो न्यूज आ रहा है, जो कि फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी एक्सपायरी है, तो वो भी और हर रोज एक्सपायरी आने वाली है। तो मार्केट का फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेंड देखिए एक बार, मैं 30 मिनट के चार्ट के ऊपर एक बार दिखा देता हूँ, देख लीजिए। यहाँ पे मैं स्टडी यहाँ पे निकाल देता हूँ, तो मार्केट अप ट्रेंड में था, अभी एक साइडवेज जोन में। तो इस साइडवेज जोन में आपको कुछ नहीं करने का, बैठने का है। कोई यहाँ पे ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट होता है तो रिटेस्ट में आपको एक ट्रेड वगैरह देखने को मिल सकता है। चलिए भाई, 8 जून का जो एक्सपायरी है तो उसके हिसाब से अगर क्या देखने को मिल रहा है, 500 के लेवल पे अगर देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 113 यहाँ पे लैक्स पुट राइट रहे, 84 लैक्स कॉल राइट रहे, 600 के लेवल पे अच्छा सा कॉल राइटिंग देखने को मिल रहा है। तो जो रेंज है 18,500 और 18,600 का रेंज में देखने को मिल सकता है। इसको ब्रेक करता है अपसाइड डाउन साइड 500 या 600 तभी एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। उसी तरह से बैंक निफ्टी जो ट्रेड कर रहा है, बैंक निफ्टी भी फिलहाल के लिए जो 18,100 के नियर बाय ट्रेड हो रहा है, तो 44,000 के लेवल पे 45 लाख यहाँ पे कॉल राइट रहे देखने को मिल रहा है, 65 लाख यहाँ पे ऑलमोस्ट पुट राइट रहे, 44,200 का लेवल है जो कि 200 पॉइंट के अंदर ही बैंक निफ्टी ट्रेड करता है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। तो 44,000 और 44,200 का लेवल यहाँ पे इसके अंदर ही बैंक निफ्टी जो कि ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से देखने को मिल रहा है। चलिए भी बैंक निफ्टी को डेली कैंडलस्टिक में देखेंगे क्या देखने को मिल रहा है। डेली कैंडलस्टिक में अगर देखें तो बैंक निफ्टी जो रेंज है ऑलमोस्ट 500 का पॉइंट का ही रेंज है, जो कि 44,500 का अपसाइड के लिए, नीचे की तरफ 44,000 का राउंड फिगर नंबर है। और ऑलमोस्ट अगर देखें तो यहाँ पे अप्स एंड डाउन मोमेंटम करता हुआ देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है, हर रोज यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन सस्टेन नहीं कर रहा, ऊपर की तरफ से एक सेलिंग प्रेशर तो फेस करता हुआ देखने को मिल रहा है। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर प्राइस एक्शन अगर देखें तो मेरे हिसाब से मैंने आपको बोला था, जब तक यहाँ पे 44,500 के अबव नहीं निकलता तो यहाँ पे फ्रेश बाइंग नहीं देखने को मिले। और यहाँ पे 43,800 के नीचे जब तक नहीं आता था डाउन साइड का मोमेंटम नहीं देखने को मिला। जैसे बैंक निफ्टी में एक रेंज था तो यहाँ पे भी एक रेंज है 44,500 के ऊपर, 43,800 के नीचे, इसके अंदर यहाँ पे 100-150 पॉइंट का रैली में प्रीमियम डीके करता हुआ बैंक निफ्टी देखने को मिल रहा है फिलहाल के लिए। और जब भी 43,800 का लेवल ब्रेक करेगा, 43,500 और 43,200 के लेवल रहेंगे, ऊपर की तरफ अगर 44,500 को ब्रेक करेगा तभी मोमेंटम यहाँ पे फ्रेश मोमेंटम देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स द 44,800 के लेवल तक। चलिए ऑप्शन चेन डेटा तो देख लिया यहाँ पे, चलिए फिन निफ्टी देख लेते हैं। तो फिन निफ्टी अभी एक्सपायरी चल रहा है, यहाँ पे कोई एक्सपायरी में कोई मोमेंटम नहीं, यहाँ पे लगा था सी साइड में मोमेंटम होगा लेकिन यहाँ पे देखे तो ये बड़ा कैंडल इसके अंदर ही फिन निफ्टी यहाँ पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो बहुत साइडवाइज यहाँ पे डबल टॉप टाइप ऑफ फॉर्मेशन का इसका जो सपोर्ट आ रहा है, जो कि 19,125 यहाँ पे इसके नीचे निकलेगा तब आने वाले दिनों में एक बेरिशनेस का मूव आप
लेके चल सकते हैं, लेकिन 19,125 क्या वो 15 मिनट के चार्ट के ऊपर अगर देखें, जिस तरह से बैंक निफ्टी का एक रेंज है उसी तरह स्विंग निफ्टी का भी रेंज है, इस रेजिस्टेंस को 19,600 के निकलता है तभी अपसाइड का मोमेंटम, जब तक 19,320 के नीचे यहाँ पे कोई प्रोजेक्शन नहीं बनाता तो नीचे की तरफ नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है जो कि 19,200 और इसको जब ब्रेक करेगा तभी एक डाउन साइड का मोमेंटम यहाँ पे फिर निफ्टी में हो सकता है। इस अंदर अगर फिर निफ्टी ट्रेड कर रहा है तो यहाँ पे प्रीमियम डिके होगा, यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं मिला। आज के अगर दिन देखे तो आज कितना दिन देखो तो आज सॉरी आज के दिन में देखो एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है, मतलब कितना प्रीमियम डीके किया है फिर निफ्टी ने, जिसने भी यहाँ पे स्ट्रैडल वगैरह बना होगा तो उसको अच्छा सा प्रॉफिट मिला होगा। इंडिया विक्स भी अगर देख सकते हैं, इंडिया विक्स बहुत लो चल रहा है, आज भी 2% अप है, लेकिन डेली कैंडलस्टिक में देखे तो यहाँ पे अगर देखे सपोर्ट लेने की तो कोशिश कर रहा है जो कि लोअर लेवल पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। जब तक यहाँ पे इंडिया विक्स बढ़ता नहीं, यहाँ पे वॉलिटिलिटी शो करती हुई नहीं देखने को मिल सकती है, और जब तक वॉलिटिलिटी नहीं आती तब तक मार्केट में मोमेंटम नहीं देखने को मिले। यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना चाहिए, 13.40 को ब्रेक करना चाहिए तभी मार्केट में वॉलिटिलिटी देखने को मिल सकती है और वही मार्केट में अप्स एंड डाउन मोमेंटम आएंगे। तो कल के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट आपको बता दें, जब तक ये जोन है, मैंने जो मार्क करके आपको जोन दिया, जोन को ब्रेक नहीं करेगा तब तक कोई बड़ा मोमेंटम नहीं मिलेगा, तो उस जोन पे नजर बना कर रखें तभी एक मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। तो जिन लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, जो इंपॉर्टेंट लेवल्स एस्ट्रो टाइम्स आपको मिलते जाएंगे। आज का भी अगर एस्ट्रो टाइम्स अगर देखे तो मैंने क्या दिया था, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसे देख सकते हैं 11:30 और 2 PM, चलिए 11:30 पर क्या हुआ और 2 PM को क्या हुआ निफ्टी के चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, 5 मिनट के चार्ट के ऊपर 11:30, चलो यहाँ पे 11:30 अगर देखें तो यहाँ पे 11:30 से एक डाउन साइड का एक मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला और उसके बाद में एक बॉटम लगाया, उसके बाद में 2 PM, तो 2 PM पे एक सपोर्ट लेके मार्केट अपसाइड का मोमेंटम किया, जिसने भी निफ्टी में ट्रेड किया होगा तो ऑलमोस्ट परफेक्टली 2 PM के नियर बाय सपोर्ट लिया, मार्केट ने अच्छा सा मोमेंटम किया। उसी तरह से उसके अगेंस्ट बैंक निफ्टी में अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, और 2 PM अगर देखें तो परफेक्टली 2 PM पे बैंक निफ्टी में डाउन साइड का मोमेंटम हुआ, निफ्टी के अपसाइड का मोमेंटम हुआ, तो इस तरह के एस्ट्रो टाइम्स आप जान सकते हैं कि वहाँ पे कुछ ना कुछ तो मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और 11:30 तो 11:30 पे परफेक्टली इसने बॉटम लगा रही से मोमेंटम अपसाइड का, तो बैंक निफ्टी ने बॉटम लगाया, निफ्टी ने यहाँ पे एक देखे तो निफ्टी ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस शो करते डाउन साइड का मोमेंटम है, तो ये बहुत अलग डायरेक्शन में चल रहे थे तो इसकी वजह से यहाँ पे मोमेंटम थोड़ा चेंज देखने को मिला। तो इस तरह के एस्ट्रो टाइम अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।